हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आखिरकार 5 साल बाद हमारे देश को पहला लोकपाल मिल गया है। लोकपाल विधेयक 2013 को 1 जनवरी 2014 को पारित किया था राष्ट्रपति ने। कई सालों से इस पर बहस चल रही थी, कौन लोकपाल होगा, क्या इसकी चयन समिति होगी, कौन इनको अपॉइंट करेगा, उसके क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि कौन बन सकता है लोकपाल, लोकपाल की चयन समिति में कौन होगा जो इनको अपॉइंट करेगा, और इसके साथ साथ लोकपाल बिल है क्या, क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कितने साल का इनका लोकपाल का कार्यकाल होता है, लोकपाल में कौन कौन होता है। एक अध्यक्ष हो सकता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 4 न्यायिक मेंबर्स या जुडिशरी मेंबर्स और 4 गैर न्यायिक सदस्य या नॉन जुडिशरी मेंबर्स हो सकते हैं। जो 4 जुडिशरी मेंबर्स होंगे वो आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके नॉन जुडिशरी मेंबर होंगे वो आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ और फीमेल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर स्टेट लेवल PSC या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लोकपाल बने हैं पहले, आखिर इनके क्या अधिकार क्षेत्र हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, जो ये लोकपाल बिल है ये क्या कहता है, ये कहता है केंद्र सरकार में जो होंगे वो लोकपाल होंगे और राज्य सरकार के लिए लोकायुक्त गठित किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने का कार्य लोकपाल और लोकायुक्त का है। यह संस्थाएं स्वतंत्र हैं, जैसे कि हमारा आपका चुनाव आयोग हो गया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। सेम ऐसे ही लोकपाल का भी काम होगा। लोकपाल का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत और लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य होता है। मतलब कि लोकपाल के अंडर में जितने भी स्टेट में लोकायुक्त बने हैं वो सब लोकपाल के अंडर में आएंगे। इसके अलावा लोकपाल को प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की जाँच करने का भी अधिकार होगा, और उसके साथ साथ सभी केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सदस्य, ग्रुप ABCD के अधिकारियों की भी जांच का अधिकार होगा। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारे देश के लिए। अब कम से कम भ्रष्टाचारियों पर और तेज़ी से एक्शन लिया जाएगा। जन लोकपाल बिल के मुख्य बिंदु, इस नियम के अनुसार केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा। यह संस्था निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी, किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करेगी। किसी भी मुकदमे की जांच 3 महीने के भीतर पूरी होगी, सुनवाई अगले 6 महीने में पूरी होगी। भ्रष्ट नेता, अधिकारी या न्यायाधीश को 1 साल के भीतर जेल भेजा जाएगा। भ्रष्टाचार के कारण से सरकार को जो नुकसान हुआ है, अपराध साबित होने पर उसे, जो आपका कल्प्रिट होगा, उसी से ही वसूला जाएगा। अगर किसी अधिकारी, नागरिक का काम तय समय में नहीं होता है तो लोकपाल दोषी अधिकारी पर भी जुर्माना लगा सकता है, जो शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलेगा। लोकपाल के सदस्यों का चयन न्यायाधीश, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर करेंगी, नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लोकपाल / लोक आयुक्त का काम पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जाँच 2 महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। CVC विजिलेंस विभाग और CBI के एंटी करप्शन का विभाग का लोकपाल में विलय हो जाएगा। मतलब कि अब ये सब मिलके इनके साथ करेंगे। लोकपाल को किसी भी भ्रष्ट जज, नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए पूरी शक्ति और व्यवस्था होगी। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। जितने भी जो हमारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, नेता या जो भी अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, अब कम से कम बहुत तेज़ी से और बहुत ही कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि लोकपाल में कौन कौन होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए, चयन समिति क्या करती है। चयन समिति में
चयन समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, इसके अलावा एक लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो सदस्य होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस टाइम पर कांग्रेस के, वो सदस्य होंगे। मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के एक जज हो सकते हैं इसके सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो एक तरह से चार सदस्य और एक अध्यक्ष, ये होते हैं लोकपाल चयन समिति में। फिर ये चारों पांचों लोग ये मिलकर एक नाम डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको लोकपाल बनाना है। तो लोकपाल बनाने के लिए फिर वो बताते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होगा लोकपाल में, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। और इसके अलावा अधिकतम 8 सदस्य, जिसमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए और आधे आपके गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि लोकपाल में कौन कौन नहीं हो सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, या किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष या सदस्य, आपका मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, MLA, MP, ये लोकपाल नहीं बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य का पद ग्रहण करने तक 45 साल तक नहीं हुई हो, किसी पंचायत या निगम का सदस्य, ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया गया हो या हटाया गया हो, ये लोग लोकपाल नहीं बन सकते हैं। लोकपाल का कार्यकाल, लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्यों का 5 साल या फिर 70 साल की आयु होने तक कार्यकाल होगा, मतलब कि आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 5 साल तक कार्यकाल होगा या फिर 70 साल की आयु तक। अब देखिए ये हमने आपको बता ही दिया, एक अध्यक्ष होगा जो सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश या रिटायर्ड जज या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, आधे आपके न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे, आधे गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से। लोकसभा के लिए अयोग्य कौन कौन है हमने आपको बता दिया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति, किसी पंचायत या निगम का सदस्य, ऐसे व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया गया हो और 45 साल से कम आयु के व्यक्ति। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज पिनाकी चंद्र घोष, अब जरा इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर ये हैं कौन। इज़ द कंट्रीज फर्स्ट लोकपाल और द एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन, हिज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 19 मार्च 2019 को अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं, लोकपाल के जो मेंबर्स बनाए गए उनके बारे में भी जान लीजिए कौन कौन है। फॉर्मर चीफ जस्टिसेस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, बिसाइड्स सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अजय कुमार त्रिपाठी, हैव बीन अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर्स इन द एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन। तो ये आपके जुडिशियल मेंबर्स हैं, चार हैं, कौन कौन से हैं, दिलीप बी भोसले, ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और इसके साथ साथ अजय कुमार त्रिपाठी। अब बाकी जो चार हैं वो हैं आपके नॉन जुडिशरी मेंबर्स, उसमें से कौन है, फॉर्मर फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ SSB सशस्त्र सीमा बल, पहली वुमेन चीफ थी SSB की, अर्चना रामासुंदरम, एक्स महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी दिनेश कुमार जैन, फॉर्मर IRS ऑफिसर महेंद्र सिंह और गुजरात कैडर के एक्स IAS ऑफिसर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो ये चार हैं आपके नॉन जुडिशरी मेंबर्स, अर्चना रामासुंदरम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। अब देखिए थोड़ा सा पिनाकी चंद्र घोष के बारे में भी समझ लेते हैं। पिनाकी चंद्र घोष 28 मई 1952 को पैदा हुए थे, इस करंटली लोकपाल ऑफ इंडिया सिंस 19 मार्च 2019। ही इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Prior to his elevation to the Supreme Court, he had served as Chief Justice of Andhra Pradesh High Court and before that as a Justice of Calcutta High Court. Calcutta High Court में Justice थे, उसके बाद Andhra Pradesh High Court में Chief Justice बनाए गए और उसके बाद Supreme Court के जज बने। और presently में अभी ये member हैं आपके NHRC, National Human Rights Commission के। ही अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया ऑन 19 मार्च 2019। ही विल रिमेन एट द पोस्ट टिल 70 ईयर्स ऑफ हिज एज और अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर।
नॉमिनेट किया था लोकपाल चयन समिति ने, जिसके अध्यक्ष थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो ये सारी जानकारी है हमारे पहले लोकपाल के बारे में। अब देखिए, जो भी हमारे देश की प्रमुख संस्थाएं हैं, सर्वोच्च संस्था जिसको हम बोल सकते हैं, उनके सब पर, उनके सबके हेड या चीफ कौन कौन है, उसका पूरा पीडीएफ मैं इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, और अगर आप चाहते हैं तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, हु इज़ हु इन इंडिया 2019 पीडीएफ, 20 मार्च 2019 तक अपडेटेड है। इसके पहले मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, तो इसलिए उस वीडियो को मैंने डिलीट किया और दोबारा से पूरा पीडीएफ अपडेट किया, और ये पूरा अपडेटेड पीडीएफ है। आप चाहते हैं तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको दी गई है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे ये करीब करीब 95 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सबके चीफ हैं, उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। आप चाहते हैं तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।